हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मृति स्वागत करती हूँ अपने चैनल स्मृति डॉट डू ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज सोमवार है और इस मतलब मंथ में पड़ा है सोमारी अमावस्या। तो आज मेरा फास्टिंग है, मैं उपवास रखी हूँ। हम लोग मतलब करते हैं, और पता नहीं आप कौन कौन से लोग करते हैं, नहीं बहुत जगह नहीं लोग करते हैं, बहुत जगह करते हैं। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि किन के यहाँ सोमारी अमावस्या किया जाता है और कौन कौन लोग करते हैं। तो मैं तो मेरे यहाँ तो फास्टिंग रखा जाता है, मैं भी फास्टिंग रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी रेडी हो चुकी हूँ और जा रही हूँ पूजा करने, क्योंकि ज़्यादा टाइम हो जाएगा और 10 बजने वाला हो गया। और क्या बताएं फ्रेंड्स, इतना टाइम नहीं होता, लेकिन ना न मेन है कि डुगू को स्कूल भेजना रहता है 7:45 बजे, 7:30, 7:40 के करीब में स्टॉपेज पर चढ़ता है। और फिर उठने में 4:45 हो गया था, तो झाड़ू पोछा इधर करते टाइम हो गया। और उसके बाद उसको लंच वंच बना कर दिए, फिर खिलाए उलाए थोड़ा बहुत जो खाया, और उसके बाद हो गया। क्योंकि फिर ना यहाँ से ना रोड मतलब रोडे साइड में जाना पड़ता है पूजा करने के लिए भी, लेकिन सोचे थे आगे कि हम उसको छोड़ते उधर उधर निकल जाएंगे पूजा करने के लिए, लेकिन लगा कि शायद लेट हो जाएगा इसके चलते ना, कि नहीं, क्योंकि साड़ी पहनने हमें जल्दी आता नहीं है। हम सोचे कि नौ दिया तेल इसी में जल जाएगा साड़ी पहनने में, तो इसी के चलते ना फिर सोचे कि चलो चलते हैं डोगो को छोड़ के, तब उसके बाद जाके नहा धो के रेडी होंगे। तो इसी की वजह से फ्रेंड्स, अब मेन है ना कि भोर में उठ के ना परिक्रमा कर लेते, वो भी 108 बार करना रहता है सोमारी अमावस्या में। सावित्री पूजा में तो 1, 21, 11, 51 मैंने जितना बार रहता है, लेकिन इसमें 108 बार जरूरी रहता है करना। तो इसके वजह से नज़दीक में इधर कहीं मोहल्ला तरफ है भी नहीं पीपल के पेड़, नहीं तो भोर में उठ के कर लेते। वो अकेले हैं ना, थोड़ा सा डर लगता है भोर में, कहाँ अकेले जाएंगे। तो इसके चलते चलिए, भगवान जी तो कहीं भाग नहीं रहे हैं ना, कोई बात नहीं, थोड़ा लेटेस्ट सही। ऐसे भी तो फास्टिंग रखना ही, कौन जाने कि खाना पीना है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग से बने रहिए ब्लॉग में, फिर आप लोग से बाद में मिलते हैं, क्योंकि दूर जाना पड़ेगा। मंदिर है शीतला माता मंदिर, वहीं पे पीपल का पेड़ है, वहीं पे जाके पूजा करना है। तो आप लोग बने रहिए। तो फाइनली फ्रेंड्स, पूजा करके आ गए घर, और बहुत ज़्यादा थकान हो गया, क्योंकि 108 बार परिक्रमा करना पड़ता है। और क्या बताएं, एकदम पूरा पैर कमर एकदम पूरा दर्द देने लगा, इतना पूरा घूमना पड़ता है ना कि क्या बताएं। तो आप लोग भी जो जो किए होंगे उनको भी तो पता हो ही करेगा। और आज के ब्लॉगिंग इतना ही ब्लॉग रहता है, क्योंकि ये और क्या बताएं आगे क्या बोले, क्योंकि अभी जाना है डुगू को लेने 1:45 बजे ले, और खाना भी बनाना होगा डुगू के लिए लंच में, चावल उल, क्योंकि दोपहर में तो चावल खाने का ही टाइम रहता है ना। हमें नहीं खाना है, लेकिन मेरा बेटा तो है ना, बेटा तो खाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और ज़रूर बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि किन के यहाँ मतलब सोमारी अमावस्या किया जाता है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और क्या पता है, चलिए कोई अब तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर मेरा ये छोटा सा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलती हूँ बाद में, तब तक के लिए बाय बाय।